हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स फ्रेंड्स एसटीसी यूट्यूब चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको टेक्निकल सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मिलेगा। साथ ही हमारा फर्दर प्लान है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स जैसे मैथ और रीजनिंग की वीडियोज़ भी हम जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। और जो हमारी वीडियोज़ होती है वो एक सिक्वेंस वाइज होती है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे से स्टडी कर पाओगे हमारे चैनल पर। आप हमें प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्योर बेंडिंग के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में अजम्पशंस ऑफ थ्योरी ऑफ बेंडिंग, बेंडिंग इक्वेशन और सेक्शन मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे। बेंडिंग इक्वेशन को हमें अगर कैलकुलेट करना है तो हमें उसके पहले अजम्पशन पता होने चाहिए। थ्योरी ऑफ बेंडिंग के जो प्योर थ्योरी ऑफ बेंडिंग है उसके अजम्पशन क्या क्या होते हैं। नंबर वन अजम्पशन है द मटेरियल ऑफ द बीम इज़ परफेक्टली होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। मींस जो बीम है वो जिस मटेरियल की बनी हुई है वो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। नंबर सेकंड इज द बीम मटेरियल इज स्ट्रेस्ड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट एंड दस ओबेज हुक्स लॉ। मींस जो लोडिंग होगा बीम पर वो विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए और जो बीम पर लोडिंग है या जो बीम है वो हुक्स के नियम का पालन करना चाहिए, जिसके जिसमें क्या होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। नंबर थर्ड है द ट्रांसवर्स सेक्शन विच आर प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग ऑल्सो। यानी जो प्लेन बीम में पहले बेंडिंग से पहले प्लेन थे, ट्रांसवर्स प्लेन थे जो कुछ इस तरीके से ये वाले प्लेन, जो बेंडिंग से पहले प्लेन थे वो बाद में भी प्लेन ही रहेंगे, यानी उनके शेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा। नंबर फोर इज ईच लेयर ऑफ द बीम इज फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेयर अबव और बिलो इट। जो न्यूट्रल लेयर है उसके ऊपर और नीचे जो लेयर्स हैं वो फ्री हैं एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। नंबर नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस फॉर द मटेरियल ऑफ बीम इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन। यानी जो इस बीम के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है वो टेंसाइल में एंड कंप्रेशन में सेम रहेगी। नाउ ये हैं अजम्पशन। अब हम बढ़ते हैं बेंडिंग इक्वेशन के लिए। बेंडिंग इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए किसी बीम के लिए हमने यहाँ पर मान लेते हैं एक बीम हमारे पास है, माना ये बीम। इसमें हमने माना एक छोटा सा भाग, मान लेते हैं ए बी सी और डी है, ये इसकी न्यूट्रल लेयर यहाँ पर रहेगी। न्यूट्रल लेयर से वाई दूरी पर माना एक और लेयर है, वाई दूरी ऊपर एक और लेयर हमने मान ली है आर एस मान लेते हैं और इस न्यूट्रल लेयर को नाम दे देते हैं पी क्यू। ठीक है, कि वाई दूरी ऊपर ना मान करके आप नीचे भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये एक आप कैसे भी इसको कर सकते हो, वाई दूरी ऊपर हमने माना है आप नीचे भी मान करके ड्राइव कर सकते हो बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, अब अगर इस बीम का हम बेंडिंग कर दें तो बेंडिंग के बाद बीम कुछ इस तरीके से इस शेप में हो जाएगी ये बीम, और ये जो छोटा हिस्सा आपने माना हुआ है ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी और डी ये न्यूट्रल लेयर और ये वो लेयर है जो हमने वाई दूरी ऊपर मानी थी। मान लेते हैं आर डैस एस डैस हो जाएगा और इसको मान लेते हैं पी डैस और क्यू डैस। ठीक है नाउ, और ये एंगल जो है ये एंगल मान लेते हैं अल्फा है। ओके, और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से इसको डिनोट करते हैं। ये फिगर वन एंड ये फिगर टू। ठीक है,
ओके नाउ यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फ्रॉम फिगर क्या ये जो पी डैश क्यू डैश है, पी डैश क्यू डैश ये बराबर है पी क्यू के, ठीक है, क्यू बराबर है ये, क्योंकि ये न्यूट्रल लेयर है और न्यूट्रल लेयर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ऐसी लेयर जिस पर कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है। तो जब स्ट्रेस नहीं है तो स्ट्रेन भी नहीं होगा, मींस यहाँ पर जो चेंज इन लेंथ है न्यूट्रल लेयर में वो क्या रहेगा, वो ज़ीरो रहेगा, ठीक है। इसलिए पी क्यू बराबर है किसके, पी डैश क्यू डैश के। अब हम फिगर टू की बात करते हैं। फिगर टू में ये जो सर्कुलर सेक्टर बना हुआ है इसको हम कंसिडर करते हैं। इसमें ये यहाँ पर है पी डैश क्यू डैश और ये है यहाँ पर आर डैश एस डैश, ये वाला ये एंगल है यहाँ पर अल्फा और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर और ये डिस्टेंस कितनी है फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस है वाई, ये डिस्टेंस कितनी है वाई। ओके नाउ इस सर्कुलर सेक्टर में हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा फॉर्मूला, आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। ओके आर्क कितना है, पहले हम बड़े वाले आर्क की बात कर लेते हैं, तो पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू एंगल कितना है अल्फा इनटू रेडियस। जब आप इस आर्क को कंसीडर करेंगे तो आर्क कितना होगा, आर होगा कैपिटल, रेडियस कितना होगा कैपिटल आर। ओके इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एंड ऑल्सो जब आप ये छोटे वाला आर्क कंसिडर करोगे यानी आर डैश एस डैश इज इक्वल टू एंगल कितना होगा, एंगल तो उतना ही होगा इनटू रेडियस, रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आर में से वाई माइनस करें तो हमारे पास छोटे सर्कुलर सेक्टर की रेडियस आ जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो हमने फिगर सेकेंड को कंसिडर करके दो इक्वेशन निकाल दी। इसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रेन निकालेंगे, स्ट्रेन इन आर एस, ये जो आर एस लेयर था बेंडिंग के बाद यहाँ पर कॉम्प्रेशन के इफेक्ट में हुआ, ठीक है। तो कॉम्प्रेशन के इफेक्ट में होने की वजह से क्या हो गया, इसकी लेंथ में कुछ डिक्रीमेंट हुआ होगा यानी इसमें स्ट्रेन डेवलप हुआ होगा। तो स्ट्रेन कैसे निकालेंगे हम, स्ट्रेन का फॉर्मूला हमें पता है फ्रेंड्स, चेंज इन लेंथ, क्योंकि इसकी लंबाई में चेंज हुआ होगा इसलिए हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लगाएंगे, अपॉन एक्चुअल लेंथ, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ निकालते हैं, देखो पहले लेंथ ज़्यादा थी ये डिक्रीज हुई आर डैश एस डैश, तो चेंज इन लेंथ अगर हमें निकालना है तो आर एस में से आर डैश एस डैश माइनस कर देंगे, आर एस माइनस आर डैश एस डैश और एक्चुअल क्या थी आर एस थी। ओके नाउ आर एस का वैल्यू हमारे पास है, नहीं है, आर डैश एस डैश का वैल्यू हमारे पास है और पी डैश क्यू डैश का वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ फिगर वन में देख रहे होंगे, फ्रॉम फिगर वन, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आर एस जो है, आर एस बराबर है किसके, पी क्यू के, है ना, और हम पहले ही देख चुके हैं जो पी क्यू बराबर है किसके, पी डैश क्यू डैश के, और इसकी वैल्यू हमारे पास है पी डैश क्यू डैश की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू आर। ये सभी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं, स्ट्रेन इन आर एस इज इक्वल टू आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू आर माइनस आर डैश एस डैश की वैल्यू क्या है, अल्फा आर माइनस वाई अपॉन आर एस की वैल्यू क्या है, अल्फा आर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अल्फा आर माइनस अल्फा आर और माइनस माइनस प्लस अल्फा वाई अपॉन अल्फा आर, अल्फा आर से अल्फा आर कैंसिल, यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो जो स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन इन आर एस लेयर आर एस में जो स्ट्रेन है वो कितना आ गया, वाई अपॉन आर, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके
जो स्ट्रेन इन आर एस है वो कितना है, वाई अपॉन आर आया, ये इक्वेशन थर्ड आ गई. बट वी नो दैट फ्रॉम हुक्स लॉ स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस. ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो लेयर है उसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है सिग्मा और अपॉन ई. तो ये स्ट्रेन भी किस में है, आर एस में है. ये वाला जो स्ट्रेन हमने निकाला है ये भी आर एस में है. यानी कि ये जो स्ट्रेन है इक्वेशन थर्ड में लिखे हुए और इक्वेशन फोर में लिखा हुआ जो स्ट्रेन है वो एक ही स्ट्रेन है. तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, इक्वेट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक नई इक्वेशन आ जाएगी. जब थर्ड और फोर्थ को आप इक्वेट करोगे हो जाएगा वाई अपॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, इक्वेशन नंबर फाइव. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फाइव है. जो बैंडिंग इक्वेशन है उसका छोटा सा पार्ट हमारे पास आ गया है. नाउ इस बीम का हम लेटरल व्यू यानी ट्रांसवर्स व्यू कंसीडर करते हैं. मान लेते हैं हमने ये ट्रांसवर्स व्यू कंसीडर किया है जिसमें एक छोटी सी स्ट्रिप मान ली जिसका एरिया डेल ए है और ये स्ट्रिप वाई दूरी ऊपर है, न्यूट्रल एक्सिस से वाई दूरी ऊपर है. ठीक है, तो अब हम इस एरिया पर, इस छोटे से एरिया पर फोर्स निकालेंगे. फोर्स ऑन स्मॉल एरिया डेल ए इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, स्ट्रेस इनटू एरिया. ओके, स्ट्रेस देखो वाई दूरी ऊपर, स्ट्रेस पहले से ही हमने कैलकुलेट किया हुआ है. स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा ये फिर ई वाई सॉरी हाँ ई वाई अपॉन आर इंटू एरिया कितना है डेल ए. ओके, नाउ इस फोर्स का इस एरिया पर, इस एलिमेंट्री एरिया पर जो फोर्स डेवलप है उसका न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकालते हैं. नाउ मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है, मोमेंट क्या होगा, मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स अभी हमने कैलकुलेट किया ई वाई अपॉन आर इनटू डेल ए इनटू डिस्टेंस कितनी है न्यूट्रल एक्सिस से इस एरिया की और इस पर जो फोर्स डेवलप होगा उसकी दूरी कितनी है, वो है वाई. तो ये हो जाएगा ई अपॉन आर डेल ए इंटू वाई स्क्वायर. तो ये जो मोमेंट है वो रेजिस्टिव मोमेंट है जो डेवलप होता है ड्यू टू इस एरिया पर स्ट्रेस की वजह से. तो इस एरिया पर जो स्ट्रेस है उसकी वजह से जो रेजिस्टिव मोमेंट डेवलप होता है वो कितना होता है, ई अपॉन आर डेल ए इंटू वाई स्क्वायर. और अगर आपको टोटल सेक्शन का यानी टोटल सेक्शन पर जो स्ट्रेस डेवलप है उसके द्वारा जो रजिस्टिंग मोमेंट डेवलप होगा वो कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ लिखते हैं द टोटल रजिस्टिंग मोमेंट इज. देखिए, तो अगर आपको पूरे क्रॉस सेक्शन का रजिस्टिव मोमेंट निकालना है तो हम देखते हैं कि ये जो पूरा सेक्शन है इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे एरिया से मिलकर के बना होगा जिन पर छोटे छोटे रजिस्टिंग मोमेंट डेवलप होंगे. तो अगर आपको पूरे सेक्शन का रजिस्टिव मोमेंट निकालना है तो उन सभी का क्या कर दें हम,
एलजेब्रिक सम कर देते हैं, तो एलजेब्रिक सम ई अपॉन आर, एलजेब्रिक सम ई अपॉन आर डेल ए इंटू वाई स्क्वायर। ओके, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई अपॉन आर, और ये क्या है, टोटल रेजिस्टिव मूवमेंट है, मूवमेंट है, इसको हम एम से डिनोट कर लेते हैं, सिग्मा डेल ए इंटू वाई स्क्वायर। ओके, वी नो दैट ये जो टर्म है सिग्मा डेल ए इंटू वाई स्क्वायर, ये डिनोट करती है मोमेंट ऑफ इनर्सिया को, ठीक है, और हम इसको मान लेते हैं डिनोट करते हैं आई से। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एम इज इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू आई, एम के अपॉन में इस आई को लेके चले जाते हैं हम, तो ये हो जाएगा एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ठीक है। ये ई अपॉन आर पहले भी किसी टर्म के बराबर है, यहाँ पर अगर आप देखो इसको आप करो कैसे, ई को इधर भेजें, आर नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई अपॉन, सॉरी सिग्मा अपॉन वाई, सिग्मा अपॉन वाई, तो ई अपॉन आर सिग्मा अपॉन वाई के बराबर है, और यहाँ पर ई अपॉन एम अपॉन आई के बराबर है, यानी ये सभी आपस में। अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, और ये जो फॉर्मूला है यही फ्लेक्सर फॉर्मूला या फिर बेंडिंग इक्वेशन कहलाती है, जिसमें एम रेजिस्टिव बेंडिंग मोमेंट है, आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस है, वाई वाई जो है ये सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस से सबसे लास्ट वाली लेयर की दूरी है। वाई क्या है फ्रेंड्स, न्यूट्रल एक्सिस से बाह्यतम लेयर की दूरी, ई यंग्स मॉडुलस है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं सेक्शन मॉडुलस की तरफ। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस से हम क्या समझते हैं, ठीक है, सेक्शन मॉडुलस आकृति मापांक इसको हिंदी में कहते हैं। सो सेक्शन मॉडुलस को जेड से डिनोट किया जाता है, और अगर फॉर्मूले की बात करें तो आई अपॉन वाई होता है, यानी इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया टू द फार्थेस्ट लेयर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, यानी किसी भी सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्सिया और उसकी उदासीन सतह उदासीन अक्ष से बाह्यतम लेयर की दूरी के अनुपात को उस आकृति का आकृति मापांक कहा जाता है, ठीक है। सो जो सेक्शन मॉडुलस है फ्रेंड्स, ये किसी भी सेक्शन की स्ट्रेंथ को डिनोट करता है सीधा सीधा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी सेक्शन की स्ट्रेंथ को किस टर्म से आप डिफाइन करोगे, तो वो होता है क्या, सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो सेक्शन मॉडुलस क्या है, आई अपॉन वाई है, ओके। अब हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के लिए सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं रेक्टेंगल के लिए हमें बताना है सेक्शन मॉडुलस, ये एक रेक्टेंगल है जिसके लिए हमें सेक्शन मॉडुलस बताना है। मान लेते हैं ये बी है और ये डी है, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल के लिए आई क्या होगा, आई होगा बी डी क्यूब अपॉन 12, और वाई क्या होगा, वाई होगा डी वाई 2। जब आप इस न्यूट्रल एक्सिस की बात कर रहे हो तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन वाई है, आई की वैल्यू कितनी है बी डी क्यूब अपॉन 12, और वाई कितना है डी वाई 2, ठीक है। 2 से एक कैंसिल होगा 6 टाइम्स, ठीक है, एक डी से एक कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका आपके पास बी डी स्क्वायर बाय 6। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो सेक्शन मॉडुलस होता है वो कितना होता है, बी डी स्क्वायर बाय 6। अगर इसी तरीके से हम सर्कुलर की बात करें, इस तरीके से ही आप हर एक सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस निकाल सकते हैं। तो एक मान लेते हैं सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है जिसका डाया डी है, तो इसके लिए आई कितना होगा, पाई बाय 64 डी की पावर 4, एंड वाई कितना होगा, वाई होगा डी बाई 2, ठीक है। आपको पता है न्यूट्रल एक्सिस से सबसे बाहर की तरफ कौन कितनी दूरी पर होगी लेयर, डी बाई 2 पर होगी, तो हम यहाँ से जेड निकाल देंगे, पाई बाय 64 डी की पावर 4 अपॉन डी बाय 2, 2 से कैंसिल होगा 32 टाइम्स, एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा पाई डी क्यूब अपॉन 32, ठीक है। इस तरीके से ही आप हर एक सेक्शन के लिए सेक्शन मॉडुलस निकाल सकते हो।